हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पादप जगत का वर्गीकरण। आप लोगों को बता दें, ये सभी लेक्चर एक ही प्ले सूची में मिल जाएंगे आपको, प्ले लिस्ट में बनी हुई है जनरल साइंस के नाम से, एक सोची उसी में सभी पढ़े होंगे। ठीक है, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान लिखा होगा। ठीक है, दोनों देख लेना वहाँ जाके। किसे वर्गीकी का पिता कहा गया जाता है? लीनियस को। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? लीनियस। सिस्टेमा नेचर, नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? लीनियस की। पुष्पी पादपों को किस में रखा गया? फेनरो गेम्स में। आप पुष्पी पादपों किस किस में रखा गया? कैप्टो गेम्स में। वर्गीकी की आधारीय इकाई कौन सी है? स्पेसीज। हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं? जलीय पौधे। द्विनाम पद्धति का क्या अभिप्राय है? वंश एवं जाति। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं? अनाभित बीजी। ठीक है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेन हॉक। जीवाणु को पौधों पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। किसमें माइटोकांड्रिया अनुपस्थित होती है? जीवाणु में। जीवाणु की साधारण आकृति क्या है? छड़ रूपी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? गोलाणु। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? कोकस। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? स्पाइरिलम। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? जीवाणु। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या है? वर्डकी लवक। पाश्चर क्यों प्रसिद्ध है? रोगों की जमी थ्योरी के लिए। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु। मूल ग्रंथिका किस में पाई जाती है? कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में। अधिक नाम वाले अचार में जीवाणु जीवित रह पाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। तपेदिक टीपी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम। भोजन की विषाक्तता किससे उत्पन्न होती है? क्लोस्ट्रिडियम बॉटिनिनम द्वारा। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? फली। नाइट्रोजन स्त्रीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य करता है? ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक। यही बात कर लेते हैं हम लोग वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के जनक। तो बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की? तो डिही रिल। वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस। अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? जे के मेंडल, जी जी मेंडल। आधुनिक भूड़ विज्ञान के पिता वॉन बेयर।
पादप रोग के जनक एजे बटलर, पादप क्रिया के पितामह स्टीफन हेल्स, व्यक्तिविति में जातिविति की पुनरुक्ति अनसर्ट हेकली, सौजन्यकी के पिता फ्रांसिस गाल्टन, सूक्ष्म जीवकी के पिता लुईस पाश्चर, पित्ती रक्षा विज्ञान के पिता एडवर्ड जेनर, जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच, वनस्पति शास्त्र के पिता थियोफेस्टस, और इकोसिस्टम के जनक शब्द के जनक ट्रांसले। आगे बात करते हैं, सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने की? विषाणु की, इवान नोवस्की, नोवस्की। विषाणु क्या माने जाते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशन ग्रुप। किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? विषाणु में। TMB शब्द किस से संबंधित है? विषाणुओं से। TMB याद रखना। चेचक के लिए टीका का विकास किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? चेचक का टीका। विषाणु किसकी वृद्धि करता है? जीवित कोशिकाओं में। विषाणु निर्जीव क्यों माने जाते हैं? एक क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग। खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक भी विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व कौन सा है? विषाणु। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। हाइड्रा का स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला। सरगासो समुद्र का नाम किस कारण पड़ा? शैवालों के कारण। गलकंड रोग से बचा जा सकता है कुछ समुद्री खरपतवार खाने से, इसका इलाज होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? आयोडीन। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनीरिया। केल्प किससे प्राप्त होता है? समुद्री शैवालों से। किसी एक सोफोसी का नाम बताइए, शैवाल। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नील हरित शैवाल। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का क्या नाम है? कैलोरेला। लाल सागल का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। वनस्पति की वह शाखा जिसके अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? माइक्रोलॉजी। कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन हेमिसेल्यूलोज से। कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजेन के रूप में। पादप जगत थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेकियोफाइटा। टेकीफाइटा को बांटा गया है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को माना गया है बांटा गया मोनोकोटिलेडोनस और डाइकोटिलेडोनस। सभी कवक सदैव क्या होते हैं? विविध पोषी। माइक्रोराइजा सहजीवी संबंधित किससे संबंधित है? कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। अब यही बात कर लेते हैं हम लोग कुछ रोगों के नाम और जीवाणु जिससे होते हैं। हैजा, वीबीओ कॉलेरी, डिप्थीरिया,
बैक्टीरियम डिप्थेरी, सुजाक, गोनोकोकस गोनोराही, कुष्ठ या कोढ़, माइक्रोबैक्टीरियम लिपी, निमोनिया, डेप्लो कोकस न्यूमोनी, फिलेग, बेसिलस फेस्टस, सेफलिस, ट्रिपोनेमा पेलिडम, टाइफाइड, साल्मो नेला टाइफी, तपेदिक, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टिटनेस, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, काली खांसी, हेमोफिलस पर्टुसिस। आगे बात करते हैं, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कह लेते हैं? कोपोफिलस। किस क्लोरोफिल नहीं होता है किसमें, कवक में? आलू का लेट ब्लाइट किसके द्वारा उत्पन्न होता है? फाइटो पिथोरा इन्फेंटेंस द्वारा। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? सेक्रोमाइसीज सेरेबेसी। पेनिसिलियम क्या है कवक? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? ए फ्लेमिंग ने। आर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया गया? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। जब गेहूं के गुथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त क्यों हो जाती है? CO2 रोटी को स्पंजी बना देती है। यीस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकोलन द्वारा। कौन खाने योग्य कवक है? एग्रीडिकस। LSD किससे प्राप्त होता है कवक से? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं? स्टेपेटोमाइसिज। स्टेपेटोमाइसिन को किसने पृथक किया? वाक्सनेन। टिक्का रोग किसमें उत्पन्न होता है? मूंगफली में। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवकों द्वारा। सामान्य खाद छत्रक क्या होता है? कसकर ठसा ठस भरी कवक जाल। मशरूम क्या है कवक? पिथम वियुक्ति प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक। कौन सा कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंधों को दर्शाता है? माइक्रो राइजा। आफ्लाटॉक्सिन क्या है कवक द्वारा उत्पन्न विष? लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे क्या है? कवक और शैवाल। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। लिटमस अम्ल क्षार सूचक किसके द्वारा प्राप्त होता है? लाइकेन से। कुछ पौधों में फूल के खिलने को दिन की लंबाई तथा रात का तापक्रम नियमित करता है। कुछ बहुवर्षीय पौधों में 12 से 120 वर्ष तक बाद एक बार ही फूल खिलते हैं। ऐसे पौधों में फल फूल नगना विघटनकारी विक्रम है क्योंकि सारी आबादी समाप्त हो जाती है और बीज से नया पौधा बनता है। ऐसे पौधे को मोनोकार्पिक कहते हैं, अर्थात एक ही बार फूल खिलना और उसके फूल खिलने को ग्रेगेरियस फूल खिलना कहते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी भारत में मोतक मेलुकाना
बेम्बू सोइडस तथा रोथिंग बेम्बूसा टुंडा टोल्डा में 48 वर्ष में एक बार फूल आते हैं। फूल खिलने से चूहों के कई स्पीशीज की संख्या बढ़ जाती है। चूहे बांस के दाने खाते हैं और जब वे समाप्त हो जाते हैं तब वे पास में स्थित धान तथा मक्का की खड़ी फसलों को खाना आरंभ कर देते हैं, जिससे इन खेतों की पैदावार की बहुत हानि होती है। इस कारण अकाल पड़ जाता है, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन प्रभावित होता है। हम ना तो ग्रेगरियस फूल खिलने के, न ही चूहों की आबादी बढ़ने के संकेत हैं और ना ही बांस समाप्त होने के मूलभूत आधार को जानते हैं। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? हेलोटेजम। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स। जापान में लोग सब्जी के रूप में किस लाइकन को खाते हैं? एंडोकार्पन। मिर्गी की औषधि किस लाइकन से प्राप्त होती है? परमेलिया। वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर कहते हैं? बायोफाइटा। जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? बायोफाइटस में। वायोफाइटस में क्या सम्मिलित है? लिवरवर्ट एवं मॉस। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती? टेरिडोफाइटस में। एजोला क्या है? जलीय फर्न। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? सिलेजिनेला। किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? लाइकोपोडियम। किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। स्टेफाइलो कोकस नामक जीवाणु जिसके कारण गले में संक्रमक हो जाता है का अध्ययन कर रहे थे। वह इस जीवाणु की एगार माध्यम में पेटी डिश में वृद्धि कर रहे थे। ये सामान्य अवलोकन है कि इस प्रकार के संवर्धन माध्यमों पर अन्य सूक्ष्म जीव भी उग जाते हैं। फ्लेमिंग ने हीरे नीले हरे कवक फेनिसिलियम नोटेटम को संवर्धन में देखा। प्रयास संदूषित संवर्धनों को फेंक दिया जाता, लेकिन फ्लेमिंग ने इस विशेष प्लेट को रख लिया। इस प्लेट में अन्य प्लेटों में उगी हुई संरचनाओं से कुछ भिन्नता थी, क्योंकि इस प्लेट में जीवाणुओं की वृद्धि नहीं थी। इससे यह स्पष्ट होता था कि प्लेट में मोल्ड्स के आसपास जो साफ छिद बन गया है उसमें जीवाणुओं की वृद्धि नहीं हुई है। अन्य जीवाणु विशेषज्ञों ने भी देखा कि मोल्ड जीवाणु की वृद्धि नहीं होने देते, लेकिन फ्लेमिंग ने इसका पदार्थ का नाम पेनिसिलिन रखा। 1928-29 में उन्होंने बताया कि पेनिसिलिन एक एंटीसेप्टिक दवा हो सकती है जो पेनिसिलिन संवेदी जीवाणुओं को नष्ट करने में सक्षम है। उसके बाद परीक्षण से पता चला कि पेनिसिलिन मनुष्यों के लिए उपयोगी एंटीबायोटिक बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पेनिसिलिन ने घायल हुए सैनिकों के संक्रमण रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में चिकित्सा नोबेल पुरस्कार दिया गया। याद रखना 1945 में इन्हें चिकित्सा नोबेल प्राइज मिला चिकित्सा का। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो आपको बता देना है टेरिडोफाइटस में। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नगण रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। संसार में सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को। कोलेलॉयड
जड़ें किस में पाई जाती हैं? साइकस में। कोरीलॉइड जड़ें किस में पाई जाती हैं? साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? साइकस में। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। साबूदाना किससे बनता है? साइकस से। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेडिन किससे प्राप्त की जाती है? एफेडा। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंक गो। बीजाणु में किसकी वृद्धि करता है? बीजाणु किस में वृद्धि करता है? जीवित कोशिकाओं में। साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जाना जाता है? नील हरित शैवाल। चौपाओ चौपायो में एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? जीवाणुओं द्वारा। हैजा रोग का कारण जीवाणु है, यह किसने सिद्ध किया? रॉबर्ट कोच ने। तंबाकू की पत्ती में सुगंध एवं स्वाद बढ़ाने में किसका उपयोग किया जाता है? बेसिलस मैगाथेनियम माइक्रोकोकस। नींबू का कैंसर रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? जेंथोमोनास सेटी। हाइड्रोफाइटा किसे कहते हैं? एक जलीय पौधे को। ठीक है, तो चलिए दूसरा लेक्चर हमारा खत्म हो गया। अगले तीसरे लेक्चर में बात करेंगे पादप आकारिकी। ठीक है, आपको फिर से बता दें, प्ले लिस्ट में सूची बनी हुई है जनरल साइंस के नाम से। ठीक है, उसी में ये सभी लेक्चर क्रम बाई क्रम पड़े हुए हैं।